1983 जब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता तब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास उनको रिवॉर्ड करने के लिए फंड्स नहीं थे। इन्होंने आनंद फानन में लता मंगेशकर जी का एक बड़ा कॉन्सर्ट कराया और उससे इकट्ठे हुए फंड से हर एक प्लेयर को रिवॉर्ड में 1-1 लाख रुपए दिए। और आज 2020 में एक चीफ सेलेक्टर की एनुअल सैलरी ही 1 करोड़ है। जो ये ऑस्ट्रेलियन टीम 90s में इंडिया 1 या 2 बार आती थी अब हमसे हर महीने मैच खेलने चली आती है। सब पैसे का खेल बाबू भैया, सब पैसे का। हेलो जी, आज इंडिया की क्रिकेटिंग वर्ल्ड में डोमिनेंस के लिए 3 चीजें जिम्मेदार हैं, आईपीएल, बीसीसीआई और 2007। पिछले 13 साल के अंदर क्रिकेट में इतना जबरदस्त रिवोल्यूशन आया जिसने क्रिकेट एज अ गेम, बीसीसीआई एज अ बोर्ड और वी एज एन ऑडियंस कंप्लीटली चेंज हो गए। क्रिकेट अब एक प्रोफेशनल कमर्शलाइज शो बन गया है। ये बात को समझो, जिन लोगों ने हम पे 200 साल राज किया और ये लोग लास्ट 80 इयर्स में क्रिकेट के हर पहलू को डोमिनेट एंड मैनिपुलेट करते थे। सारे वर्ल्ड कप ये होस्ट कर लेते थे, रेवेन्यू इनके पास, पावर इनके पास, बट टाइम हैज चेंज नाउ। आज ये लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। इंडिया क्रिकेट का पावर सेंटर बन गया है। वर्ल्ड क्रिकेट का लगभग 70-75% रेवेन्यू इंडिया से आता है। अपना टाइम आएगा नहीं, आ गया। इंडिया फियरलेस, रूथलेस एंड सबसे जरूरी रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है पूरे वर्ल्ड का। पैसा बोलता है बड़े भाई, पैसा। बट हमारी किस्मत बदली 2007 में। 2007 से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, गेम बदल गया। चलो अब चलते हैं 2007 में। 2007 बिल्कुल अलग टाइम था। हमारा हिमांशु बेचारा हाफ पैंट पे घूमता था। शोएब अख्तर यूट्यूबर नहीं, क्रिकेटर था। और यूट्यूब, हाँ हमारा अपना यूट्यूब इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था। बीसीसीआई की इनकम 2007 में 650 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 3730 करोड़ हो गई है। सीधा 500% का ग्रोथ। 2007 में ही क्रिकेट, बीसीसीआई एंड इंडियन क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रहे थे। क्रिकेट की व्यूअरशिप गिर रही थी, बीसीसीआई फंड्स के लिए जद्दोजहद कर रही थी और इंडियन टीम की भी फॉर्म कुछ खास नहीं थी। मार्च में इंडिया पूरी तैयारी के साथ बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीतने पहुंचा, पर जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं और हम बांग्लादेश एंड श्रीलंका से हार के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए। दिस वॉज अ बिग शॉक टू द नेशन। ऐसा लगा कि पूरे इंडिया में मातम पसर गया हो। वी एज इंडियंस वी टेक आर क्रिकेट सीरियसली, वेरी वेरी सीरियसली। बहुत सारे लोगों ने तो क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। अब पूरे इंडिया की सैडनेस लिटरली एयर में फील कर सकते थे। क्रिकेट की जो बची कुची व्यूअरशिप थी वो भी ख़त्म हो गई। इस सब सैडनेस से निकलने का इंडिया को मौका मिला इन सितंबर, जब हो रहा था T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट जिसने एक लंबे वनडे मैच को शॉर्ट करके 3 घंटे के फास्ट पेस शो बना दिया। अदर कंट्रीज 2002 से ये नया फॉर्मेट खेल रहे थे, बट हम इंडियंस ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे इस फॉर्मेट को लेके। इसका पता ऐसे लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से ही मना कर दिया और हमने वर्ल्ड कप से पहले एक ही T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। इंडियन टीम सारे यंग लड़के और एक बिल्कुल नया कप्तान लेके पहुंची साउथ अफ्रीका। और इंडिया का पहला ही मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया मैच तो जीत गया बट उसमें भी व्यूअरशिप कोई खास नहीं आई। इंडिया ने धीरे धीरे मोमेंटम गेन किया पर पूरे टूर्नामेंट में आग लगा दी युवराज सिंह के 6 छक्कों ने। इंडिया में अब फिर से टीवी ऑन होने लगे, व्यूअरशिप वॉज ऑन ऑल टाइम हाई। क्या बच्चे क्या बूढ़े, एवरीवन वॉज ग्लूड टू टीवी। सेमीफाइनल में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हराया एंड फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और फाइनल मैच तो मानो कोई सुपरहिट मूवी से कम नहीं था। इट हैड ऑल द ड्रामा। एक तो मैच भी था पाकिस्तान से, कभी वो आगे कभी हम आगे। एंड जब श्रीशांत ने मिसबाह की कैच पकड़ी तब पूरी इंडिया ने होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर सब एक साथ मना लिया। एवरी इंडियन वॉज सेलिब्रेटिंग। इंडिया फाइनली बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन। क्रिकेट फिर से इंडिया की जान बन गया।
इस वर्ल्ड कप विक्ट्री से हमें दो बड़े फायदे हुए, अराइवल ऑफ धोनी एज अवर कैप्टन एंड इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत। मार्केटर्स, स्पॉन्सर्स एंड बीसीसीआई ने T20 की पावर को समझा, जिसने रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ न्यू फैंस को भी गेम से जोड़ना शुरू कर दिया और इसी कारण स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग एंड क्रिकेट के नए नए रास्ते खुलने लगे और इंडिया की दो बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा और क्रिकेट के एक साथ आने से IPL में ग्लैमर, पैशन एंड अंडा पैसा आने लगा और पहले ही IPL में लगभग 53,000 करोड़ में सारे टीम्स बिक गई। ये पूरा फिगर है, जीरो काउंट कर लेना। एक ही सीजन में ना जाने कितने प्लेयर करोड़पति बन गए। फिर क्या था, पूरा इंडिया हर गर्मी की शाम टीवी के आगे और फिर दे चौका दे छक्का। बस इस बार कोविड आ गया, बट आज से IPL स्टार्ट है। आज 13 साल बाद IPL बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, जिसकी ब्रांड वैल्यू लगभग $475 बिलियन है, जो कि डबल है पाकिस्तान की GDP का। IPL में जीतने का एक प्लेयर होता है, उतने में बाकी लीग्स की पूरी टीम आ जाती है और इन वेरी लीग से ज्यादा व्यूअरशिप तो अपने तारक मेहता के GPL की है। IPL दीवार तोड़ प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉफिट आर गोइंग थ्रू द रूफ। ये भाई साहब जब से चिल्ला रहे हैं IPL से रेवोल्यूशन आया, करोड़ों चेंजेस आए, मैं बताता हूँ चेंजेस क्या है। सबसे पहले तो हमने जो पैसा कमाया वो लगाया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। टायर वन सिटीज से लेकर Tier 3 टाउन्स तक हर जगह प्रोग्रेस हुई, बेटर ग्राउंड्स, बेटर फैसिलिटीज, बेटर कोचेज एंड इन सब से हमें मिले बेस्ट प्लेयर्स। वर्ल्ड के नंबर वन बॉलर जसप्रीत बुमराह से लेकर बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, सब कहीं ना कहीं IPL की फाइंड हैं। प्लस IPL के कारण साइकोलॉजिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बायोमैकेनिक्स सब अब एक मेन पार्ट है एवरी टीम का। अब हर बैट्समैन को बॉलर की स्ट्रेंथ का पता है और बॉलर्स को बैट्समैन की वीकनेस का। सो ये अब क्रिकेट एज अ गेम बहुत बड़े लेवल पे चली गई है। IPL इतना बड़ा हो गया है कि कई क्रिकेटर्स अपनी कंट्री को छोड़कर IPL को प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक पाकिस्तान से मैच है। ओके। नेक्स्ट वीक से IPL है, यहाँ आना है। ओके। नो। ओके। 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। ओ वाओ, 10 करोड़ का। बाय बाय। नो। Moreover, Indian board has started to invest a lot in women cricket. एक छोटा सा IPL उनका भी हो रहा है, बट आने वाले सालों से उम्मीद बहुत है। इंडियन वुमेन विल स्टार्ट डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट जल्द, बहुत जल्द होगा ऐसा भी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है IPL की, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को, ग्राउंड स्टाफ, डोमेस्टिक प्लेयर्स से लेके TV एडिटर्स, प्रेजेंटर्स, बहुत लोग हैं यार। IPL से बड़ा आज क्रिकेट में कुछ नहीं है। आइडियाज आना एक बात है, बट उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना जबरदस्त बात है। IPL हर साल हमारी ड्रीम एंड फैसिनेशन कैप्चर करता है। बट ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप फैन हो तो IPL है, पैसा है आपका पैशन है तो लेजेंड्स हैं, आपका डिटर्मिनेशन है तो IPL की चकाचौंध है, और आप हो तभी तो क्रिकेट का खेल है। जब आज शाम को आप IPL देखोगे तो हमारे इस वीडियो को याद रखना और शेयर भी कर देना बड़े भाई, लाइक भी करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।